हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप धमाकेदार अपडेट के लिए हो जाइए तैयार। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ फॉर मोर एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग अपडेट। सो कम बैक टू द पॉइंट, बात करते हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का मोस्ट फेवरेट शो का सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग एपिसोड टेलीकास्ट करने वाला टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों की। तो अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बड़ा खुलासा। दरअसल साहिबा यहाँ पर एक एक करके सबूत इकट्ठा करने वाली है सबके खिलाफ और अंगद को बेगुनाह साबित करके ही रहेगी। सोर्सेस की माने तो अब यहाँ पर साहिबा गैरी और यशराज की सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए भेस बदलने वाली है और वो नया भेस बदल कर पहुँच जाने वाली है बाबेजा हाउस। दरअसल एज पर द सोर्सेस की माने तो साहिबा जैसे ही अंगद के ऑफिस जाने की कोशिश करेगी कुछ पैम से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करने के लिए, तभी उसे पता चलेगा। पैम बताएगी कि मैडम बाबेजा हाउस में बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और सभी लोग वहीं पर हैं, इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर पाएंगे। साहिबा ये सुनकर के समझ जाएगी कि यकीनन यश और उसकी पार्टी यहाँ पर अंगद की जेल जाने की खुशी सेलिब्रेट कर रही हैं, बरार मेंशन की बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है। और तभी वो लेगी बड़ा फैसला कि वो खुद बाबेजा हाउस जाएगी, वहाँ जाकर के वो ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर हो क्या रहा है। हाल ही में आ रही खबरों की माने तो सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ साहिबा जाने वाली है अपना भेस बदल कर, और वहाँ पर जाकर के वो देखेगी कि सभी लोग जश्न कर रहे हैं, फुल ऑन पार्टी के माहौल में हैं और वहाँ पर यशराज भी मौजूद है, साथ में गैरी भी है जो कि ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहा है और बार बार यशराज को पापा पापा कह रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ दिखाया जाएगा कि वो पुलिस ऑफिसर जो मानसी है वो भी वहाँ पर मौजूद होगी और तभी साहिबा के सामने ये सच आएगा कि दरअसल यश की गर्लफ्रेंड है मानसी और असल में यशराज तो जसलीन को भी धोखा दे रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद साहिबा के तो होश उड़ जाएंगे और यहाँ पर वो फैसला करने वाली है कि इन सब के खिलाफ ये सारा सबूत वो रिकॉर्ड करेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि इस बार सारे सबूत रिकॉर्ड करने के बाद साहिबा उन सबूतों को किसी को नहीं देने वाली है। दरअसल जिस दिन अंगद की कोर्ट में पेशी होगी खबरों की माने तो साहिबा डायरेक्ट कोर्ट में वो सारे सबूत इन लोगों के खिलाफ पेश करने वाली है, जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जो कुछ किया है वो इन सब की सोची समझी अच्छे से प्लान आउट की हुई तगड़ी साजिश है जिसमें अंगद बुरी तरीके से फंस चुका है। अब देखना होगा काफ़ी दिलचस्प कि क्या साहिबा की ये कोशिश उसकी मेहनत रंग लाती है, अंगद को बेल मिल पाती है। वेल, आपको क्या लगता है कॉमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.